मौमिता दत्ता। मौमिता दत्ता अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में एक भौतिक विज्ञानी है और अंतरिक्ष मिशन्स के लिए ऑप्टिकल और आईएसआर सेंसर उपकरणों पेलोड के विकास और परीक्षण में एक विशेषज्ञ है। वे मंगलयान के पेलोड के पीछे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में एक भौतिक विज्ञानी मौमिता दत्ता 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में जांच करने वाली टीम की हिस्सा थी। मंगलयान के लिए उनके द्वारा डिजाइन किए गए उपकरण अभी भी डेटा वापस कर रहे हैं। दत्ता 2006 में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में शामिल हुई। तब से वे ऑर्किसेट, रिसोर्ससेट, हाईसेट, चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसी कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं में शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें मंगल के लिए मीथेन सेंसर के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने के लिए चुना गया था। उन्हें पूर्ण ऑप्टिकल प्रणाली के विकास, अनुकूलन, लक्षण, वर्णन और सेंसर के अंशांकन के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। वर्तमान में वे ऑप्टिकल उपकरणों के स्वदेशी विकास में एक टीम का नेतृत्व कर रही हैं। इसके साथ ही वे मेक इन इंडिया की अवधारणा को साकार करने की दिशा में भी काम कर रही हैं। वे अंतरिक्ष विज्ञान में प्रवेश करने वाली भारतीय महिलाओं की वृद्धि के बारे में बात करती हैं। बचपन में मैंने अंतरिक्ष, एलियंस, ब्रह्मांड, सितारों के बारे में सपना देखा था, विशेष रूप से एलियंस, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं अंतरिक्ष विज्ञान में शामिल होऊंगी। मुझे भौतिकी में दिलचस्पी तब हुई जब मैंने स्कूल में एक प्रयोग में शानदार रंगों को प्रिज्म से बाहर निकलते देखा। मैंने प्रकाशिकी में विशेषज्ञता के साथ लागू भौतिकी में मास्टरी की। फिर 2004 की एक सुबह मैंने स्थानीय अखबार में पढ़ा कि भारत अपने पहले चंद्र मिशन की तैयारी कर रहा था और मैंने सोचा कि क्या अभूतपूर्व बात है। उस पल से मैं इसरो में शामिल होना चाहती थी। चंद्रयान 1 परियोजना भारत का पहला चंद्र मिशन जो 2008 में लॉन्च हुआ और पृथ्वी के साथ संपर्क खोने से पहले पानी के सबूत उसने पाए। मेरा आधार अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के अध्ययन और ग्रहों के मिशन्स के लिए ऑप्टिकल सेंसर पर काम कर रहा है। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 2। इस मिशन में चंद्रमा की सतह और मिनरलॉजिकल मैपिंग का बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया। सतह पर प्रयोगों को करने के लिए तेज यंत्रों के साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था। सभी सेंसर भारत में डिजाइन किए गए थे। एक रंगीन कैमरा और एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो मार्टियन सतह का एक थर्मल नक्शा और एक मीथेन सेंसर पैदा करता है। हमारे पास उन्हें विकसित करने के लिए 15 महीनों का समय था। मुख्य चुनौती थी उन्हें बहुत कॉम्पैक्ट, हल्के और कम ऊर्जा का उपयोग करना था, क्योंकि मिशन को न्यूनतम ईंधन के साथ लॉन्च किया जाना था।
हमने हर चुनौती के लिए लड़ाई लड़ी। सेंसर सभी तरह के पहले थे और उन्हें जल्दी से विकसित करने के लिए हमें अंतरिक्ष योग्य घटकों के बजाय ऑफ द शेल्फ जाकर काम करना पड़ा। फिर चरम स्थितियों में प्रत्येक का परीक्षण किया गया। मिशन पर केंद्रों में काम करने वाले लगभग 500 इंजीनियर्स की टीम ने दिन रात काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने उनके दिल से काम किया और किसी ने घड़ी की परवाह नहीं की। मानसिकता यह थी कि वे हमारे देश के लिए काम कर रहे थे और मिशन को सफल होना ही था। अंतरिक्ष यान के मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के बाद जब हमें पहला संकेत मिला तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रोजेक्ट टीम के सदस्य भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। यहाँ तक कि लोग फिल्मी सितारों की तरह तख्तियों पर हमारी तस्वीरें भी रखते थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है। ऑर्बिटर अभी भी सेंसर से डेटा प्रसारित करता है, जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। अभी वे 20% या इसरो की 25% हिस्सा हैं। संगठन महिलाओं के स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। एक सरकारी निकाय के रूप में हमें उदाहरण के लिए न्यूनतम 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है और महिलाओं को समान जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बारे में नहीं है कि कोई पुरुष है या महिला, ये सभी के बारे में है कि वे चुनौतियों को कैसे संभाल सकते हैं। अब जब भी मैं बात करती हूँ और एक छोटी लड़की मेरे पास आती है, कहती है, मैं इसरो के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारे काम को मान्यता दी जाती है तो हम इसमें शामिल सभी महिलाओं के योगदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाएं इसका अहम हिस्सा हैं। मौमिता दत्ता, आपके काम को सलाम।